अगर आपके म्यूजिक करियर की शुरुआत है तो एक म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर का रोल उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके एक लिसनर का है। मैंने ऑब्जर्व किया कि आजकल इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट फ्री म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर के पीछे काफी ज्यादा भागते हैं, उनको लगता है कि उनका सॉन्ग फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट सच्चाई ऐसी नहीं है। फ्री म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर आपके म्यूजिक करियर का लॉन्ग टर्म रोल प्ले करता है, वो कैसे करता है वो भी जानेंगे, बट आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो हम टॉप म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विसेज को कंपेयर करेंगे, जानेंगे कि किसकी सर्विसेज सबसे ज्यादा अच्छी है। तो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप डेफिनेटली डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जाना चाहिए, किसके साथ आपको सॉन्ग्स रिलीज करने चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर, मेरा नाम है अंकुश भारद्वाज। तो आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं टॉप म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर की सर्विसेज के बारे में। इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइसिंग कंपैरिजन के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे कि कितने टाइम में आपका सॉन्ग ये कंपनीज रिलीज करके देती है, कितने टाइम में आपको ये रॉयल्टीज प्रोवाइड करती है, ये इंस्टाग्राम फेसबुक पर आपका सॉन्ग रिलीज करके देते हैं कि नहीं, कहाँ पर इनका ओरिजिन है, रॉयल्टीज रिपोर्ट्स का क्या टाइम फ्रेम है, कितनी मिनिमम रॉयल्टीज पर आप विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकते हो, प्रोज के बारे में बात करेंगे, कॉन्स के बारे में बात करेंगे, लास्ट में हम बात करेंगे कॉन्क्लूजन पर किस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपको अपना सॉन्ग रिलीज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ट एंड टॉप म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट के बारे में, जो अभी मार्केट में टॉप रैंक्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स है। तो इस लिस्ट में शामिल है डिस्ट्रोकिड, ट्यूनकोर, सीडी बेबी, अम्यूज एंड रूटनॉट। ले बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा प्राइसिंग। आज हम तीन टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं, फर्स्ट डिस्ट्रोकिड, सेकंड ट्यूनकोर एंड थर्ड सीडी बेबी। आज हम कंपैरिजन करेंगे इन तीन डिस्ट्रीब्यूटर्स के एनुअल प्लान का। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा डिस्ट्रोकिड की। इसका एनुअल जो प्लान है वो आपको मिल जाता है $16.99 का, जो कि इंडियन रुपीज में अराउंड 1650 रुपए का है। उसमें आप एक साल के लिए अनलिमिटेड अपने सॉन्ग्स रिलीज कर सकते हो डिस्ट्रोकिड के थ्रू। सेकंड हम बात करेंगे ट्यूनकोर की। ट्यूनकोर में आपका जो एनुअल प्लान है वो है ₹999 का, उसमें भी सेम आप अनलिमिटेड सॉन्ग्स अपने रिलीज कर सकते हो ट्यूनकोर के थ्रू। एंड थर्ड है हमारा सीडी बेबी, जिसमें आप $24.99 अप्रोक्सीमेटली इंडियन करेंसी में ₹2050 में आप एक एल्बम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब कि आपको इसमें अनलिमिटेड सॉन्ग्स डिस्ट्रीब्यूट करने की फैसिलिटी नहीं मिलती है। ये सभी एक सिंगल आर्टिस्ट प्लान है, मतलब कि अगर आप डिस्ट्रोकिड के साथ अपने सॉन्ग्स अनलिमिटेड सॉन्ग्स रिलीज करोगे ₹1650 में, तो सिंगल आर्टिस्ट ही अपलोड कर सकता है, फीचर आर्टिस्ट हो सकता है उसमें, मतलब कि दो सिंगल आर्टिस्ट, मतलब कि मैं और एक और सिंगल आर्टिस्ट अपने डिफरेंट सॉन्ग्स अपलोड नहीं कर सकते, हम सिर्फ कोलैबोरेशन ही अपलोड कर सकते हैं। वहीं ट्यूनकोर में भी सेम फैसिलिटी आपको मिलेगी, आप कोलैबोरेशंस एक सिंगल कर सकते हैं, बट सिंगल एक आर्टिस्ट अपने सॉन्ग्स रिलीज नहीं कर सकता। वहीं सीडी बेबी में भी आपको $24.99 में एक सिंगल आर्टिस्ट की एल्बम रिलीज करने का प्लान मिलता है। तो ये तो थे प्राइसिंग एंड बजट प्लान्स। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा कंट्री ऑफ ओरिजिन। डिस्ट्रोकिड, ट्यूनकोर, सीडी बेबी तीनों अमेरिकन न्यूयॉर्क की एक कंपनी है। डिस्ट्रोकिड 2013 में स्टार्ट हुई थी, अप्रॉक्सीमेटली 10 साल इनको हो चुके हैं। वहीं अगर ट्यूनकोर की बात की जाए वो 2005 में शुरू हुई थी, वो भी न्यूयॉर्क में स्टार्ट हुई थी, अप्रॉक्सीमेटली उसको भी 15-16 साल हो चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें सीडी बेबी की, सीडी बेबी 1998 में स्टार्ट हुई थी, अप्रॉक्सीमेटली 25 साल से ये मार्केट में रन कर रही है। और अगर हम बात करें ट्यूनकोर की, 2005 में ब्रुकलिन न्यूयॉर्क अमेरिका में ये इस्टेब्लिश हुई थी, उसके बाद 2020 में ये अपना इंडिया में ऑफिस ओपन कर चुकी है, मुंबई में इनका ऑफिस है। हीना कृपलानी नाम से इनकी एक कंट्री मैनेजर है, जो कि इंडिया की सर्विसेज देखती है। इनकी वेबसाइट का जो लिंक है वो है tunecore.in। इनके साथ इंडियन आर्टिस्ट काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अगर आपने बिलीव म्यूजिक का नाम सुना होगा तो उनका ही एक सब्सिडरी पार्ट है। इनकी इंडियन वेबसाइट है tunecore.in, इनकी ग्लोबली जो वेबसाइट है वो है tunecore.com। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन टाइमलाइन। कितने टाइम में आपका कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर सॉन्ग्स डिस्ट्रीब्यूट करके देता है। तो जब भी आप अपना सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबमिट करते हो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो सेल्फ रिव्यू करने के लिए 2-5 दिन लेता ही लेता है। सेल्फ रिव्यू में देखा जाता है कि आपने किसी सॉन्ग के सैंपल तो नहीं यूज़ किए, कोई कवर सॉन्ग तो नहीं यूज किया, किसी भी सॉन्ग का म्यूजिक तो नहीं यूज किया, और भी काफी ज्यादा पैरामीटर्स होते हैं। 2-5 दिन लेते हैं, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर का अलग टाइम फ्रेम होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रोकिड की। जब भी आप अपना सॉन्ग डिस्ट्रोकिड में सबमिट करते हो, उसके बाद वो सेल्फ रिव्यू करते हैं, उसके बाद 2-5 दिन में वो स्पॉटिफाई में डिलीवर करके देते हैं, 1-7 दिन में आपका iTunes में डिलीवर होता है। बाकी जितने भी जो म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स हैं उसके आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कितना टाइम फ्रेम ये लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ट्यूनकोर की। ट्यूनकोर में भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। जब आप अपना सॉन्ग इनके पास सबमिट करोगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ये सेल्फ रिव्यू करेंगे। सेल्फ रिव्यू में आपका सॉन्ग रिजेक्ट भी हो सकता है अगर आप इनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करोगे। जैसे कि अगर आपने सैंपल यूज़ किए कोई डिफरेंट सॉन्ग के,
आपने कवर आर्ट जो बनाया उसमें इनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया तो रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपका सॉन्ग अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद 2 से 3 बिजनेस डेज में आपका स्पॉटिफाई में ये सॉन्ग अवेलेबल करा देते हैं। वहीं 1 से 16 दिन लेंगी ये आईट्यून्स पर आपके सॉन्ग को डिलीवर करने में। बाकी और जितने म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स हैं उनका आप टाइम फ्रेम देख सकते हो स्क्रीन पर ट्यूनकोर के द्वारा। तो अब हम बात करेंगे सीडी बेबी की। सीडी बेबी भी सेम प्रोसीजर फॉलो करता है। अगर आप अपना सॉन्ग सबमिट करोगे इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 5 से 10 बिजनेस डेज लेते हैं ये सेल्फ रिव्यू करने में। सेल्फ रिव्यू में अगर आपका सॉन्ग पास हो जाता है तो ये 7 से 14 वर्किंग डेज में आपका सॉन्ग हर म्यूजिक प्लेटफॉर्म पे डिलीवर करके दे देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉन्ग्स अवेलेबिलिटी ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक पर। इंडिया में तो नहीं चलता टिकटॉक, बट और कंट्रीज में आपका ये सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टिकटॉक के ऊपर भी। 15 से 20 बिजनेस डेज लग जाते हैं। नॉर्मली स्पॉटिफाई में 2 से 5 दिन लगते हैं, बट इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टिकटॉक पर डिलीवर होने में 15 से 20 दिन लेते हैं। सभी के ये सेम टाइम फ्रेम है। डिस्ट्रोकेट भी उतना लेता है, ट्यूनकोर भी उतना लेता है एंड सीडी बेबी भी 15 से 20 दिन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रॉयल्टीज रिपोर्ट टाइम फ्रेम। स्ट्रीमिंग होने के कितने टाइम के बाद आपको ये रॉयल्टीज रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। सीडी बेबी की अगर मैं बात करूं, अगर आज 1 जनवरी है, आज आपको 1000 स्ट्रीम मिलती है तो ये 6 से 9 महीने का टाइम लेती है। जून से सितंबर तक आपको ये रॉयल्टीज रिपोर्ट प्रोवाइड करेगी। वहीं अगर हम बात करें डिस्ट्रोकिड की, अगर आपका जनवरी 1 को 1000 स्ट्रीम्स होती है तो ये 3 महीने का टाइम लेती है। अप्रैल 1 के आसपास आपको ये रॉयल्टीज रिपोर्ट प्रोवाइड कर देगी। वहीं अगर हम बात करें ट्यूनकोर की, ये 2 महीने का टाइम लेती है। अगर आपका 1 जनवरी को 1000 स्ट्रीम्स होते हैं तो 1 मार्च के आसपास ही आपको रॉयल्टीज रिपोर्ट प्रोवाइड करेगी। उसमें आपकी जितनी भी अर्निंग्स होती है वो आपको रिपोर्ट में प्रोवाइड करके देते हैं ये सभी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिनिमम रॉयल्टीज थ्रेशोल्ड फॉर विड्रॉल रिक्वेस्ट। आपको कितनी कमाई करी होनी चाहिए जब आप अपनी विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो इन डिस्ट्रीब्यूटर के पास। सबसे पहले मैं बात करूंगा सीडी बेबी की। वहां पर आपको मिनिमम $10 कमाए हुए होने चाहिए तभी आप अपनी विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। सीडी बेबी पे आपको एक अलग से फीचर मिलता है। मिनिमम तो $10 है ही है, आप $25 पर भी अपनी विड्रॉल रिक्वेस्ट की लिमिट सेट कर सकते हो, 50 पे भी कर सकते हो, 15 पे भी कर सकते हो, बट मिनिमम जो है आपकी $10 हुई होनी चाहिए। अगर आपकी अर्निंग आपने सेट करी हुई है $25, जब आपका अर्निंग की जो रिपोर्ट है उसमें $25 आपको मिल जाएंगे तभी आपकी ऑटोमेटिकली विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। वहीं अगर हम बात करें ट्यूनकोर की, वहां पर आपको सिर्फ $1 कमाया हुआ होना चाहिए, आप पेपैल के थ्रू विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें डिस्ट्रोकिड की, वहां आपको $2 कमाए हुए होने चाहिए तब आप अपनी विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। तो अभी तक हमने बात करी सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रोज की, बेनिफिट्स की, फीचर्स की, अब हम बात करेंगे इनके ड्रॉबैक्स की, इनकी कमियां क्या है अगर आप इनकी सर्विसेज यूज करते हो। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ट्यूनकोर के ड्रॉबैक्स की। सबसे पहले इनका जो ड्रॉबैक है वो है कि अगर आप इनसे कवर सॉन्ग रिलीज कर लेते हो, वैसे तो कवर सॉन्ग्स अलाउड नहीं होते अगर आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, गलती से अगर आपका सॉन्ग इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो जाते हैं। मैंने देखी है ट्यूनकोर काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं कवर सॉन्ग्स की, लोफाई सॉन्ग्स की, रिमिक्स की, रैप मिक्स की भी कर देते हैं। तो इससे जो आपकी अर्निंग होती है रॉयल्टीज़ भी आपको मिल जाती है, रॉयल्टीज़ रिपोर्ट्स में भी आपको इनकी रॉयल्टीज़ मिल जाती है कवर सॉन्ग्स की, बट जब बारी आती है इसको विड्रॉ करने की तो ये इसे होल्ड कर देते हैं। बहुत बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगा। काफ़ी आर्टिस्ट ने मुझे मेरे साथ इनके स्क्रीनशॉट शेयर किए कि हमारी ये $500 की जो अर्निंग है वो इन्होंने होल्ड पे डाल दिया, अब हम क्या करें। तो ये मुझे काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक लगा ट्यूनकोर का कि अगर आप कवर सॉन्ग रिलीज कर रहे हो तो उसकी जो रॉयल्टीज़ है वो भी तो आर्टिस्ट को देनी जायज़ बनती है। आप अपने पास रख रहे हो बट आर्टिस्ट को नहीं दे रहे, वो मुझे बहुत बड़ा इनकी कमी लगी। तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक था। सेकंड इनका ड्रॉबैक मैं कहना चाहूँगा कि आप इनके साथ स्केड्यूलर रिलीज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई सॉन्ग प्लान किया हुआ कि 1 अप्रैल को, एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 अप्रैल को आपने सॉन्ग रिलीज करना है, आपने एक पोस्टर बना दिया, कवर आर्ट बना दी कि 1 अप्रैल को मेरा सॉन्ग अवेलेबल हो जाएगा, आपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर दिया अपने फैंस के साथ, हर प्लेटफॉर्म पर आपने शेयर कर चुके हो। ट्यूनकोर को अगर आप बोलते हो कि मेरा 1 अप्रैल को सॉन्ग सभी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल करा दो, सभी प्लेटफॉर्म पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये फीचर आपको 999 वाले प्लान में नहीं मिलेगा जो कि डिस्ट्रोकेट आपके बेसिक प्लान में देता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक मुझे लगा। थर्ड इनका ड्रॉबैक मैं कहना चाहूँगा कस्टमर सपोर्ट। वैसे तो कस्टमर सपोर्ट मैं बहुत बुरी नहीं कहूँगा, इनका जो टाइम लाइन है, टाइम फ्रेम है, टैट जिसे कहते हैं कि 24 घंटे में आपका रिप्लाई करते हैं ये ईमेल पर, कभी कभी ये 3 से 5 से 7 दिन भी ले लेते हैं, जो कि मुझे एक ड्रॉबैक लगा। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रोकेट के ड्रॉबैक्स के बारे में। डिस्ट्रोकेट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं कहना चाहूँगा कि ये एक आपके साथ बाउंडेशन डाल देते हैं। अगर आपने एक बार इनसे प्लान ले लिया, 1 साल का प्लान ले लिया और अपने सॉन्ग्स जो अनलिमिटेड प्लान के थ्रू रिलीज कर दिए फर्स्ट ईयर में, बट अगर आप नेक्स्ट ईयर इनके साथ प्लान नहीं लेते तो ये आपके सारे सॉन्ग्स डिलीट कर देंगे सभी प्लेटफॉर्म में से।
स्पॉटिफाई से, एप्पल म्यूजिक से, अमेजन से, iTunes से, हर जगह से आपके सॉन्ग्स डिलीट कर देंगे अगर आप इनसे नेक्स्ट ईयर प्लान नहीं लेते। तो फाइनल हम कंक्लूजन की ओर देखें तो आप जैसा देख सकते हो मैंने YouTube पर एक पोस्ट डाली थी, कम्युनिटी पोस्ट, उसमें पूछा था, सर्वे किया था कि आप जब एक सॉन्ग रिलीज करते हो तो आपके माइंड में क्या चलता है। तो मैक्सिमम ऑफ आर्टिस्ट ने यही कहा कि हमारे दिमाग में बजट चलता है। तो बजट पॉइंट ऑफ व्यू से ट्यून कोर इज बेस्ट 999 रुपीज़ में आपको एक साल का प्लान देता है। वहीं अगर हम बात करें विड्रॉल लिमिट की तो $1 आपका ट्यून कोर में आप विड्रॉ कर सकते हो, डिस्ट्रोकिड में $2 में आप अपनी रॉयल्टीज विड्रॉ कर सकते हो। थर्ड हम बात करें कस्टमर सपोर्ट की, कस्टमर सपोर्ट दोनों की अच्छी है, बट अगर आपकी मेंटेलिटी है कि आप इंडियन एक कंपनी के साथ जाना चाहते हो तो ट्यून कोर इज बेटर क्योंकि उनका एक इंडिया में ऑफिस है। वही अगर हम बात करें कितने टाइम में आपका सॉन्ग रिलीज करके देते हैं तो ट्यून कोर और डिस्ट्रोकिड दोनों कंपेरिजन करें तो दोनों का बराबर है। एंड फाइनली कंक्लूजन पर मेरा ये है कि मानना कि ट्यून कोर इज बेटर, ट्यून कोर इज लीडिंग इन एवरी सेंस। मेरे हिसाब से ट्यून कोर इज बेटर देन डिस्ट्रोकिड। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। कीप वॉचिंग एम्बेसिमो, पीस आउट।